हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जिस सब्जेक्ट के बारे में स्टडी करेंगे वो है आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड। तो आपका जो अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड है उसमें आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ने को मिलेगा इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन। तो आज की इस वीडियो में हम इंटीग्रेशन के जितने भी इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं आज की इस वीडियो में उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। यदि आपको इंटीग्रेशन सीखना है तो आपको फार्मूले आने अवश्य चाहिए, तो आप इन फार्मूलों को नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। जब तक आपको ये फार्मूले याद नहीं होंगे तब तक आपको इंटीग्रेशन आने वाला नहीं है। तो आप कोशिश करिएगा आपको फार्मूले याद हों तो आपके लिए इंटीग्रेशन काफ़ी आसान हो जाता है। तो यहाँ पर सारे फार्मूले आपको मिलेंगे, यहाँ पर जो भी आपके चैप्टर फर्स्ट में अप्लाई होंगे इंटीग्रेशन में। तो यहाँ पर पहला फार्मूला देख लेते हैं एक्स की पावर एन का, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन का जो यहाँ पर इंटीग्रेशन होता है वो होता है एक्स की पावर एन प्लस वन बटे एन प्लस वन। वहीं डिफ्रेंशिएशन में बात करें तो इसका होता था एक्स की पावर एन का, आपको याद होगा एन एक्स की पावर एन माइनस वन, लेकिन यहाँ पर क्या है जस्ट उसका उल्टा है। तो इसको आप याद रखिएगा, इंटीग्रेशन वाले फार्मूले आपको आने अति आवश्यक हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन का होता है एक्स की पावर एन प्लस वन बटे एन प्लस वन और प्लस सी कांस्टेंट। ये सी आपका बताता है समाकलन स्थिरांक को, तो आप प्लस सी भी लगाना मत भूलिएगा, ये आपका हर जगह काम आएगा। नेक्स्ट आपका जो फार्मूला देख लेते हैं वो है इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स। तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वन अपॉन एक्स का वो होगा लॉग एक्स प्लस सी। तो आप याद कर लीजिएगा कि वन अपॉन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है लॉग एक्स प्लस सी। नेक्स्ट फार्मूला आपका देख लेते हैं, तो नेक्स्ट फार्मूला आपका आता है इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स का जो होता है इंटीग्रेशन वो होता है ई की पावर एक्स। इसका डिफरेंशिएशन भी ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है और इंटीग्रेशन भी आपका ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है। तो ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स प्लस सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, तो ए की पावर एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा आपका ए की पावर एक्स बटे लॉग बेस ई ए प्लस सी। तो इसको आप ज़रूर याद रखिएगा, इस फार्मूले का जो उपयोग होता है यहाँ पर इस एक्सरसाइज में काफ़ी होने वाला है। तो ए की पावर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो आपका होता है ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए बेस ई प्लस सी। तो इसको आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका देख लेते हैं, तो नेक्स्ट आता है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स। तो साइन एक्स का जो आपका इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी। तो इसमें आप गड़बड़ मत करिएगा कि जो हमारा डिफरेंशिएशन होता है उसमें साइन एक्स का तो कॉस एक्स होता है, लेकिन इंटीग्रेशन में बात करें तो साइन एक्स का आपका माइनस कॉस एक्स हो जाता है, साथ में प्लस सी भी हो जाता है। अब वहीं पर हम बात करें इंटीग्रेशन में कॉस एक्स की इंटीग्रेशन की, तो कॉस एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो साइन एक्स प्लस सी हो जाता है। तो आप डिफरेंस याद रखिएगा कि डिफरेंशिएशन में क्या होता है और इंटीग्रेशन में क्या होता है। नेक्स्ट फार्मूले देख लेते हैं, तो नेक्स्ट आपका फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स का जो आपका इंटीग्रेशन होता है वो आपका टैन एक्स प्लस सी होता है। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट आपका आता है फार्मूला इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का। तो आपका जो इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर एक्स का होता है वो आप याद कर लीजिएगा, वो होता है आपका माइनस कॉट एक्स प्लस सी। सी मैं यहाँ पर बार बार क्यों कह रहा हूँ कि ये आपका होता है समाकलन स्थिरांक। चलिए नेक्स्ट फार्मूला देख लेते हैं, आपका नेक्स्ट फार्मूला आता है इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू टैन एक्स। ये इसका इंटीग्रेशन आपका होता है sec x प्लस सी। तो sec x इंटू टैन एक्स का इंटीग्रेशन होता है sec x प्लस सी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इंटू cot x। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है माइनस cosec x प्लस सी। चलिए नेक्स्ट आपके कुछ फार्मूले बचे हैं इनको भी देख लेते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये आपका होता है साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन। तो इसको तो आप ज़रूर याद कर लीजिएगा, ये आपको बहुत काम
आने वाले हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तो इनका काफ़ी ज़्यादा उपयोग होता है और ये इस तरह के क्वेश्चन डायरेक्ट 5 नंबर में आपसे पूछे जाते हैं इसी फार्मूले पर बेस। तो इसमें हमने देखा इंट्रीकेशन ऑफ 1/√1 − x², इसका इंट्रीकेशन होता है साइन इनवर्स एक्स, और यदि आपका यहाँ पर माइनस इसको आप यदि कॉस इनवर्स एक्स के रूप में लिखना चाहते हैं, जो आपका फार्मूला है इसको एक बार फिर से देख लीजिए। यदि आपको कॉस के रिस्पेक्ट में आप इसको करेंगे तो सेम रहेगा 1 √1 − x², यदि आप कॉस के रिस्पेक्ट में लिखोगे आप तो यहाँ पर आपको माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी लिखना होगा। इसी तरह हम बात करें आपके इंट्रीकेशन 1/1 + x², तो ये आपका टेन इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है। यदि इसको आप कॉट के रिस्पेक्ट में लिखोगे तो ये आपका फार्मूला बनेगा इंट्रीकेशन ऑफ 1/1 + x², कॉट के रिस्पेक्ट में लिखोगे तो माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर फार्मूला आता है इंट्रीकेशन ऑफ d/x√x² − 1, तो ये आपका फार्मूला होता है sec इनवर्स x का। तो ये आपका फार्मूला होता है sec इनवर्स x का। यदि आप इसको cosec इनवर्स x के रूप में लिखते हो तो आपको cosec के आगे माइनस लगाना पड़ेगा। तो ये आपका सेम कंडीशन रहेगा इंट्रीकेशन dx/x√x² − 1, लेकिन आप इसको cosec के टर्म में लिखोगे तो आपका हो जाएगा माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। तो ये थे आपके चैप्टर फर्स्ट के इम्पॉर्टेंट फार्मूले, जो आपको यहाँ पर चैप्टर फर्स्ट की फर्स्ट एक्सरसाइज में सारे इन फार्मूले को आप अप्लाई करने वाले हैं। नेक्स्ट आपके इनको ये जो फार्मूले मैं बताने वाला हूँ ये आपको आगे काम आएंगे। तो ये तो आपको फार्मूले डिफरेंशिएशन में आपने पढ़े होंगे कि दो फलनों के गुणनफल का जो अवकल गुणांक का फार्मूला होता है उसका जो फार्मूला यहाँ पर लिखा गया है। फर्स्ट फंक्शन मतलब पहला फलन, इसको हिंदी में देख लेते हैं उसके बाद इंग्लिश में देखते हैं। तो पहला फलन इंटू दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन इंटू पहले का अवकलन, यानी कि फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये होता है आपका दो फलनों के यानी कि दो फंक्शन का अवकल गुणांक का फार्मूला। नेक्स्ट देख लेते हैं दो फलनों के भागफल का अवकल गुणांक का जो फार्मूला होता है यानी f1x/f2x का, तो ये होता है इसको हम अंश बोलते हैं, ये हमारा हर होता है। तो यानी इसका फार्मूला होगा हर का स्क्वायर, यानी कि जो आपका यहाँ पर दिया होगा हर का स्क्वायर इंटू आप ब्रेकट सॉरी बटे के ऊपर जाएंगे तो होगा हर इंटू अंश का अवकल गुणांक, यानी कि अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन, यानी कि आप इसको इस प्रकार भी याद कर सकते हैं कि हर का स्क्वायर हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन। ये था आपका फार्मूला दो फलनों के भागफल का फार्मूला। यहाँ पर अवकलन का मतलब है, अवकल का मतलब है डिफरेंशिएशन, यानी कि हर का स्क्वायर हर इंटू अंश का डिफरेंशिएशन माइनस अंश इंटू हर का डिफरेंशिएशन। चलिए देख लेते हैं दो फलनों के गुणनफल गुणन का जो समाकलन होता है उसका फार्मूला, कि जो जब हमारे दो फैक्टर दिए हों तो उनका समाकलन का फार्मूला यानी इंट्रीकेशन का फार्मूला क्या होता है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपके दो फैक्टर मैंने मान लिए हैं f1 f2, तो इसका फार्मूला देख लेते हैं। f1 यानी कि प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का समाकलन, यानी कि इंट्रीकेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी फर्स्ट फंक्शन इंटू इंट्रीकेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन का अवकलन, यानी जो हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा उसका आप डिफरेंशिएशन करोगे इनटू जो हमारा यहाँ पर सेकंड फंक्शन होगा उसका आप इंट्रीकेशन करोगे, और उसका इंट्रीकेशन करने के बाद आपको फिर से पूरे का होल इंट्रीकेशन करना होगा। नहीं समझ में आया एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूं कि दो फलनों के जो गुणन का इंट्रीकेशन का फार्मूला होता है वो होता है फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन का समाकलन माइनस
फर्स्ट फंक्शन का यहाँ पर डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड फंक्शन का इंटरीग्रेशन और पूरे का एक बार फिर से आप होल इंटरीग्रेशन करोगे, यहाँ पर आपका फार्मूला लिखा है। तो फ्रेंड्स ये थे आपके इंटरीग्रेशन के इम्पॉर्टेंट फार्मूले जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे यदि आप इनको याद कर लेते हो। तो थैंक यू फ्रेंड्स आप सभी का वीडियो देखने के लिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर आपके लिए अप्लाइड मैथ सेकंड की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लिए इस ताकि जब मैं इसकी वीडियो अपलोड करूं तो इसकी नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर सबसे पहले मिलती रहे। इसकी जो पीडीएफ है मैं अपने टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहां से जाकर आप सारे फार्मूलों को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स आप सभी का वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।